आई तो गो क्रेजी जब बजते पंजाबी वेडिंग सॉन्ग्स। हाय गाइस, मेरा नाम है ईशा और आज मैं बात करने वाली हूँ कोविड वाली शादियों की। अब देखो यार, कोविड का प्रकोप दूर दूर तक खत्म हुआ तो नहीं नजर आ रहा, और इसको दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने शादियां तो अलाउ कर दी है बट With some rules. सबसे बड़ा रूल तो ये है कि आप कुछ गिन चुने लोगों को ही अपनी शादी पे बुला सकते हैं। तो अब कोविड में होने वाली शादियों को द बिग फैट इंडियन वेडिंग तो नहीं कहा जा सकता। खैर, अब लोग 50 हो, 100 हो या 1000, डेकोरेशन एंड खाना इज अ मस्ट, क्योंकि लोगों को कुछ याद रहे ना रहे, डेकोरेशन और खाना जरूर याद रहता है। तो अब न्यू नॉर्मल को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस पैंडेमिक के दौरान अपनी शादी प्लान करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नहीं भी सोच रहे तो भी ये वीडियो आपके लिए है। मैं बात करने वाली हूँ अति सुंदर और अति यूनिक वेडिंग डेकोर्स के बारे में। और जैसे कि हम सब जानते हैं, शादी का मतलब होता है हाय रब्बा, इतनी एक्सपेक्टेशंस, बट डोंट वरी, आई गॉट यू। सो द सबसे बड़ा टिप इज कि जहाँ शादियों पे इतनी टेंशन लेनी पड़ती थी कि इतने गेस्ट्स आएंगे, इतना खाना खाएंगे, इतने प्लेट्स रखने पड़ेंगे, अब आप उस टेंशन को भूल जाओ। उस टेंशन को अब आप खुशी में बदल के अपना मन चाहे डेकोर चुन सकते हैं। यूजुअली शादियों में जहाँ डार्क कलर्स यूज किए जाते थे, जैसे कि मरून या ट्रेडिशनल रेड, हाँ ऐसे ही कुछ, वहाँ पर अब लाइट कलर्स यूज किए जा रहे हैं। चाहे वो दिन की शादी हो, रात की शादी हो, गर्मियों की शादी हो या ठंड की शादी हो। सम ऑफ द वेरी पॉपुलर कलर्स दिस सीजन आर ब्लश पिंक, प्लम एंड व्हाइट, बीची ब्रॉन्ज, मिंट एंड लाइलैक, और मेरा पर्सनल फेवरेट रेनबो, मल्टी कलर सेटअप। वाओ, मेरा तो मन कर रहा है मैं भी शादी कर लूं। नो गॉड प्लीज नो। ये तो रही कलर्स की बात, अब आते हैं फंक्शंस पे। तो जनरली फंक्शंस होते हैं हल्दी, मेहंदी, एंगेजमेंट और फिर शादी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ही अलग हो सकता है यार। तो इसमें अलग लाने के लिए हमने बात करी इंडस्ट्री के कुछ टॉप वेडिंग डिजाइनर्स और प्लानर्स के साथ। सबसे पहले बातचीत हुई क्यू इवेंट्स के सीईओ के साथ, जिनका नाम है ऋतुराज खन्ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज ऋतुराज खन्ना फ्रॉम क्यू इवेंट्स। विद द कोरोना वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन। नाउ आई गेस द क्लाइंट्स आर आल्सो नाउ विलिंग टू spend a little more than what the meetings we've been having a little earlier. So decor wise we have gone a little for our mehendis and all we have gone a little English. We are doing Mexican mehendis, we're doing Spanish mehendis. Wow yaar, Mexican aur Spanish to cuisine suna tha, mehendi bhi hoti hai. Sangeet sa go a little bit of light, more flowers, since almost all our events are being done in banquets and hotels. Destinations have become a little smaller, so decor-wise we have made a lot of improvisation. We've cut down on our trusses, we've made self-standing props, a lot of candles, lots of flowers, lots of chandeliers. Wedding-wise, we're going to go the same, I think. Golds, maroons. अगला हम इंस्पायर हुए एक वेडिंग मैनेजमेंट कंपनी से जिसका नाम है रब्बाज। Thank you.
थे न्यू नॉर्मल में होने वाले शादियों के कुछ ट्रेंडिंग आइडियाज। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमने आपका बेस्ट डे को खास बनाने में मदद किया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू टेल अस इन द कमेंट्स कि आपको कौन सा आइडिया या डेकोर पसंद आया। ओह एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। बाय, हैप्पी वेडिंग। Oh, 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 oh